अपने परिवार के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे के चक्कर काट रही यह महिला महाविद्या कॉलोनी की रहने वाली श्रीमती पुष्पा देवी है। पुष्पा देवी का कहना है कि उसकी पड़ोसन श्रीमती ममता पत्नी प्रेम सिंह और उसके परिवारीजन बगैर किसी झगड़ा या झंझट के उनके परिवार से रंजिश मानते चले आ रहे हैं। इसी रंजिश के चलते थाना गोविंदनगर में उनकी झूठी शिकायत कर दी गई, जिससे उनके परिवार के दो सदस्यों को दो दिन तक थाने में बैठाकर रखा गया। अब श्रीमती ममता द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है कि या तो अपना मकान बेच दो, अन्यथा झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भिजवा देंगे। पड़ोसन द्वारा दी जा रही धमकी से पूरा परिवार खासा भयभीत है। पूजा पूजा कहाँ की रहने वाली है? महाविद्या जो देवी है उसके नीचे आमला ग्राउंड है, वहाँ रहते हैं भैया हम लोग। क्या समस्या है, क्यों आई है? समस्या ये है भैया, हमारे सामने एक ममता सिंह कुंतल रहती हैं, उनका हमारे यहाँ खूब आना जाना था, हमारा भी उनके घर खूब आना जाना था, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके हस्बैंड इंस्पेक्टर हैं, तो उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप, बिल्कुल बहुत ही झूठा चोरी का मुकदमा लगाया हमारे ऊपर। यूँ कह रही है कि मतलब पूरी गली छेक दी, फिर हमारा घर एक ले लिया कि यहाँ चोरी हुई, इन लोगों ने चोरी की है। हमने यहाँ तक कई पुलिस मतलब इंस्पेक्टर अंकल से भी कही, मैंने अंकल जी ने तहकीकात कर लो, बोले कि हम लगे पड़े हैं, आप हमें बताएं ना। तो उसने 8 लाख रुपए यानी कि चोरी का बताया कि इतने रुपए चोरी हुए हैं घर पे। तो मैंने यहाँ कही, आंटी तुम ऐसे क्यों नाम लगा रही हो, डायरेक्ट तुम पे कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, तुम डायरेक्ट नाम ले रही हो। तो इतना है कि वो मतलब हमारा रहन सहन घर से थोड़ा चिढ़ रही है, हम पंडित लोग हैं, वो जाट है, उल्टी सुलटी धमकियाँ देती है कि हम लोगों ने यहाँ सेटिंग करा रखी, वहाँ सेटिंग, तेरे पति को गोली पड़ेंगी, एनकाउंटर कराऊंगी, कुटकी करा दूंगी, यहाँ सुनवाई नहीं होगी, दिल्ली कराऊंगी, जीना आराम कर रखा, मेरे घर से सारे देवर इधर उधर गायब हैं। यहाँ तक कि यूँ और कह रही थी कि अगर आदमी नहीं आएंगे तो लेडीज उठेंगी घर से, तू उठेगी। और मामला है ये भैया, ये लोग 27 तारीख को गए हैं, 30 तारीख को ये आ रहे हैं सुबह 10 बजे, और 1:30 बजे करीब हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी, वो लोग आए, मेरे मामा मैया मेरे ससुर उनके बेटे मेरे दो देवर मेरे ससुर सबको लेके चली गई, दूसरे दिन शाम को फिर छोड़ दिए। अब भी यूँ कह रही है कि जज से मेरे 8 दिन के आदेश है, मुझे उसको वहाँ पे पेश करना है, और क्या बोलते हैं ललित को ले आओ, नहीं मतलब उल्टे सुलटे मतलब बहुत अपशब्द यूज़ कर रही है उसका पति भी। भैया उनसे हमारी कोई रंजिश नहीं है, जिस दिन आंटी का अगर हमारे आना जाना, चाय पीना, हमारे घर आना जाना, हमारा उनके घर आना जाना, खूब प्रेम, मम्मी उन्हें मम्मी को हमारी सास को खूब माँ समान मानती, मम्मी उन्हें बेटी मानती, हर चीज़ में हम पूछते, पता नहीं काय का बदल ले रही हैं हम लोगों से, झूठे आरोप में। हाँ झूठे आरोप में। भैया मैं यही चाहती हूँ, अगर हम चोर हैं तो जेल भेजें, डरेंगे नहीं। अगर मेरे पति ऐसी चोरी करते तो मैं भी फरार होती, मैं क्यों न्यूज़ में आती, मैं भी तो फरार होती भाई, आदमी नहीं मिलेगा औरत को उठाते हैं। अधिकारियों से क्या कहा? अधिकारियों ने यूँ कहा है, मैं गई थी वहाँ सर जी के पास, उन्होंने कहा कि हमने गोविंदनगर थाने में कह दिया है, अब तुम्हारी अच्छी से तहकीकात होगी भैया, और देखी और आप लोग हमें मदद करें, हम गलत नहीं हैं कहीं से भी, बस बेफालतू सीधे साधे अनपढ़ लोग हैं हमारे साथ, मैं तो भी 12th पास हूँ, मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं बस। मेरा नाम है पुष्पा। पुष्पा जी कहाँ से आए? हम आए रामलीला मैदान पीछे थे महाविद्या से। क्या समस्या है? समस्या ये है, उस गली में मैं 10-12 साल से रह रही हूँ, इनके मकान में 4-5 साल किराए पर रही थी, फिर मैंने अपने बड़े बूढ़े की जायदाद बेच के जमीन ही छोटी सी मैंने 100 गज मकान लिया। अब जी जो कहते हैं मुझे 8 लाख रुपए दे और नहीं, और यहाँ से 8 लाख रुपए दे और यहाँ से मकान बेच के जा, और नहीं मैंने तो पूरी सेटिंग लगा दी है, मुझे चातना के अंदर आपका बड़ा बेटा चंग है, आपके बड़े बेटा को कहा कहता है नहीं देगी तो कुड़की वारंट करा दूंगी, पूरी सेटिंग लगी हुई है, और नहीं और कहा कहता है ओके 8 लाख रुपया देख ले कि अपने बड़े बेटा को देख ले, बड़े बेटा को मुझे हाजिर करवा दे, माँ मैं कुछ देखूंगी, मैंने मेरी तो पूरी सेटिंग लग रही है अपनी, और कहा अगर बेटा को नहीं देगी तो कुड़की वारंट एक एक ईंट बिखरवा दूंगी, आप कहीं रेंगे और मुझे फंसाने तो फंसाने, आप कहीं चले जाओ तुम्हें कहीं दुनिया में नहीं छोड़ूंगी, और मुझ पर और मैं जमीन मुझ पर जमीन लगा दूंगी, मकान लगा दूंगी, मेरे बेटे से जे रंजिश थी, हम गांव से आए, माँ हमने कागज एक किराए पर मकान लिया गांव से आए के, और माँ हमारा वो बेटा का बैठवा उठवा जुड़ गया, वो हमने करा नातनी का बर्थडे में वो लड़का आया, और उसकी कुछ लड़की के मामले में कोई संपर्क थी ना, उसके कागज हैं उसको जिन कहते थे वो तेरे लड़का को दोस्त था, बस यही होता तेरे लड़का को वो दोस्त था, और इस वजह से मुझे तेरा लड़का चंग है, और 12 साल से मेरे बच्चे ने चोरी नहीं की, तो अब मतलब मेरे बच्चे ने चोरी झूठे इल्जाम में मेरे बेटे को जेल में कोर्ट कचहरी में
खींच के ले जा रही है। रोज बच्चे मेरे आते हैं, रोज खाते हैं, मेरा मकान चाह रही है। 8 लाख रुपए दो तो मेरा बड़ा बेटा बचेगा, और नहीं तू सुनना जेल जाएगी। तुझे चुटिया पकड़ के सास बहू को रोड पे घसीटेंगे और भागी जाएगी। और मेरा